हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी दोस्तों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं बनाने वाली हूँ रायपुर और गंगापुर की बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई अकवरी, जिसको गंगापुर में मरका बोला जाता है और दिवाली के ही सीज़न में इसको बनाया जाता है। और अभी जो वेदर है गाइस, ये इस मिठाई को बनाने का सबसे बेस्ट वेदर है, इसीलिए ये मिठाई अभी इस सीज़न में बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और आज की रेसिपी मेरी माँ ने बनाई है, मेरी मोमा ने बनाई है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया है 500 ग्राम्स चावल का आटा। चावल को अच्छे से धो के सुखा के उसका आटा बनाया है। अभी इसमें डाल रहे हैं 250 ग्राम घी। घी को घर में इस्तेमाल नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे घी हो वैसा इसमें इस्तेमाल करना है। अभी इसको चावल के आटे को और घी को अच्छी तरीके से मैश करना है। दोस्तों, अगर आपने जौ की रोटी बनाई है या बाजरे की रोटी बनाई है या मकई की रोटी बनाई है, कैसे अपन उसका आटा लगाते हैं वही प्रोसेस इसमें भी फॉलो करना है। घी को अच्छे से मिक्स करना है आटे में और लगभग आधा घंटा इसको आपको अच्छे से मैश करना है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्मूथ हो जानी चाहिए, वैसा इसको हम कर लेंगे। ये जो मिठाई है गाइस, ये वाले सीज़न में दिवाली टाइम पे हमारे यहाँ से रायपुर से या गंगापुर से बहुत सारी जगह पे पार्सल की जाती है। सूरत, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, बहुत सारे जहाँ पे भी मेवाड़ीज रहते हैं और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो रहते हैं, उनको ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कभी दिवाली टाइम पे रायपुर या गंगापुर साइड जाएँ तो ये मिठाई आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है गाइस, आप देख सकते हैं हाथ से इस तरीके से मैश करना है और लगभग आधा घंटा इसको मैश करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम स्मूथ हो गई है। और इस मिठाई को बनने में गाइस 2 दिन लगते हैं, क्योंकि एक दिन इसको प्रिपेयर, इसका जो डो है प्रिपेयर होने में उसमें टाइम लगता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि डो को आप रात को प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसको 8 से 10 घंटे के लिए छोटे छोटे इसके पार्ट्स करके ठंडे पानी में छोड़ा जाता है इसको सॉफ्ट बनाने के लिए। ये इसका प्रोसेस है गाइस। ये हमारा डो रेडी हो गया है। अभी इसके हम, अगर आपने राजस्थान के ढोकले खाए हैं तो उसका शेप देना है, या इसको आप कह सकते हो मोटा सा मेदू वड़ा, ये वाला शेप देके ठंडे पानी में इसको छोड़ना है हमें 8 से 10 घंटे के लिए। इस तरीके से ये एकदम पानी में तैरते हैं, क्योंकि हमने इसमें घी इस्तेमाल किया है और अभी जो मौसम है राजस्थान में सर्दी है, घी एकदम से जम जाता है, आप लोग सब जानते हैं। तो इसको 8 से 10 घंटे छोड़ने के बाद सुबह हम इसको फिर से मैश करके घी में फ्राई करेंगे। सो गाइज, यहाँ मैंने प्रिपेयर कर ली है 1.5 तार की चाशनी और उसको ठंडा कर लिया है। और अभी हम अकबरी जो है उसको फ्राई करेंगे। तो एक मोटा सा जो मैदू वड़ा हमने बनाया था, उसको जो शेप दिया था, उसको फिर से यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए हमें मैश करना है। मैश इसलिए करते हैं गाइस, क्योंकि जब आप अकबरी बनाओगे, जब उसको शेप दोगे तो वो फट जाती है। अगर आप अच्छे से इसको मैश नहीं करोगे, ये बाइंड नहीं होगा अच्छे से, तो अकबरी जो है वो फट जाएगी और घी में एकदम से खुल जाएगी, उसका शेप बराबर नहीं आएगा और सॉफ्ट भी नहीं बनती है। इसीलिए मेन जो इसका है बनाने का तरीका, वो अगर अच्छे से मैश हो जाती है तो वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। तो 5 से 7 मिनट इसको मैश करने के बाद शेप इसका वही जो मेदू वड़ा अगर आपने देखा है, तो छोटा सा इसका पार्ट लेंगे गाइस और गीले कपड़े पे इसको हम शेप देंगे। छोटा सा हाथ पे रोल करिए और इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बन गई है, फट नहीं रहे हैं किनारे जो है इसके, अच्छे से हमारा जो डो है मिक्स हो गया है। अभी इसको गरम घी में एकदम कम आंच पे इसको तलना है, मीडियम पे नहीं तलना है, हाई पे नहीं तलना है, एकदम कम आंच पे इसको तलना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको तेल में भी फ्राई कर सकते हैं गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
हल्का क्रीमिश कलर इसका हो जाएगा तब तक हम इसको घी में फ्राई करेंगे। उलटते पुलटते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए और कलर इवन आए इसका। अभी हम इसको चाशनी में डाल देंगे और आधा घंटा चाशनी में इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, चाशनी एकदम ठंडी होनी चाहिए क्योंकि हम इसमें गरम गरम जो अकबरी है वो डालने वाले हैं। और आधे घंटे बाद आप कोई सा भी स्टिक ले लीजिए और इस तरीके से जो चाशनी है एक्स्ट्रा होगी ना वो सारी निकल जाएगी। सो ये थी गाइस मेरी अकबरी या मरका की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये राजस्थानी रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।